हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस। वेरी सिंपल, वेरी टेस्टी, सबकी पसंदीदा। ये हमने हाफ एन आवर के लिए राइस भिगोए हैं, ओनली वन कटोरी। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा घी चाहिए, थोड़ा नमक चाहिए और जीरा चाहिए। नमक किस आपकी मनपसंद है, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। तो आप थोड़ा प्रेशर कुकर को वॉर्म होने देंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, बस थोड़ा सा इसे ब्राउन होने दीजिएगा। आप जीरा भुनने की आवाज़ सुन सकते हैं। मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से है, आपको डालना है जितना डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। जीरा ऑलमोस्ट भुन चुका है, मैंने डाला है इसमें एक कटोरी। डबल, जितने आपने राइस भिगोए हैं उससे डबल वाटर डलेगा, दो कटोरी। मेरे राइस हाफ एन आवर के लिए ऑलरेडी भीगे हुए हैं, तो बस मैंने इसमें दो कटोरी वाटर डाला है। और अब मैं ये जो मेरे भीगे हुए राइस थे ये डाल रही हूँ। अगर आपके राइस भीगे हैं तो सिर्फ एक ही प्रेशर लगाना है, अगर आपके राइस नहीं भीगे हैं तो आपको इसमें दो प्रेशर लगाने हैं। अगर भीगे हुए राइस बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये मैंने इसमें राइस डाले हैं प्रेशर कुकर में, 2 मिनट्स में बनने वाले। ये देखिए, ये जीरा है, इसमें घी है और राइस है। मैं इसको चलाऊंगी नहीं, हाँ, लॉट ऑफ पीपल पुट हल्दी ऑल्सो, हल्दी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, कलर देता है। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं हल्दी डालती हूँ, वरना नहीं डालती। ये मैंने प्रेशर कुकर को कर दिया है बंद, वी विल वेट। मैंने इसका फ्लेम अभी 9 पे रखा था, मेरा इंडक्शन है तो मैंने अभी इसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिया है 5 पे, एल्स ये बहुत जल्दी प्रेशर आ जाएगा। लास्ट थिंग, सब पूछते हैं आप कौन से राइस यूज़ करते हैं, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ मैं कौन से राइस यूज़ करती हूँ। मैं ये यूज़ करती हूँ दावत की एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन राइस। मैं दुबई रहती हूँ तो ये यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आपको अलादिल जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। अब हम वेट करेंगे इसमें प्रेशर आने का, और उसके कम से कम 5 मिनट बाद हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि राइस कैसे बने हैं। 5 मिनट्स हो गए हैं हमें इसको रखे हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर होगा वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि राइस मेरे ऑलरेडी भीगे हुए थे। देखिए आपके गर्मा गर्म वेरी टेस्टी, देखिए सारे राइस जो हैं खिले खिले बने हैं एकदम, और बिल्कुल गले हुए बने हैं। देखिए खिले खिले एकदम जीरा राइस आपके रेडी है। आप इसको किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम लोग इसको आज खा रहे हैं भिंडी के साथ और मसूर की दाल के साथ, तो आप भी इंजॉय कीजिए। बाय बाय। एक ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे शांति से। ये शांति बने हुए राइस खा रही है मेरे, अभी भी राइस गर्म है और धुआं निकल रहा है इनमें से। शांति कैसे बने हैं राइस? बहुत अच्छी है। और नमक कैसे है? ठीक है। और जीरा कैसा है? अच्छा है। चलो फिर, थैंक यू, वेलकम।